Hello YouTube family, my name is Shubham and welcome to my YouTube channel The Engineer Vlogger and let's start the video। दीपावली खुशियाँ बांटने का त्यौहार है तो हम लोग भी चले गए खुशियाँ बांटने। ऐसे बहुत से घर होते हैं जहाँ लोग पैसे की कमी के वजह से अपने घर पे दिए नहीं जला पाते, पटाखे नहीं फोड़ पाते, तो हम लोगों ने अपने घर के पास के बस्ती में मिठाइयाँ, दिए, पटाखे का वितरण किया। सच में यार इस चीज़ में बहुत 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 खुशी मिलती है, करके देखो अच्छा लगेगा। बच्चों के हाथ में जब पटाखे आए तो उनकी खुशी तो देख के यार मन भर गया। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, पर इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और नीचे है बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचेगा। थैंक यू गाइज, तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अब हम लोग चलते हैं काली माँ का मूर्ति लाने। पिछले साल से हम लोगों ने काली माँ का पूजा भी शुरू किया है, इस बार उसी को बहुत भव्य रूप से कर रहे हैं, तो हम लोग मूर्ति लेने आए हैं। हम ये देखिए हम लोग का मूर्ति है, ये मूर्ति का साइज़ है 15 फीट लंबा। मूर्तिकारों ने कहा कि यहाँ का सबसे बड़ा मूर्ति हम ही लोगों का है, उसको ले कैसे जाएंगे उसी चीज़ का हम लोग सोच रहे हैं। 15 फीट का मूर्ति का ऑर्डर दे दिया है हम लोगों ने, लेकिन उसको लाने में हालत ख़राब हो रही है। चलो कोई नहीं, काली माँ है वही पार लगाएगी नैया। तो हम लोगों ने रस्सी और बांस के सहारे इस मूर्ति को रोड तक ले जा रहे हैं। हम लोग के सभी मेंबर्स यहाँ आ चुके हैं, देखिए करीब 100-200 लोग हैं यहाँ पे हमारी मदद को। देखिए हम लोग कैसे बांस से ट्रॉली बनाकर ले जा रहे हैं। फाइनली हम लोग माता की मूर्ति को लेकर आ चुके हैं, अभी भी दिक्कत लेकिन ख़त्म नहीं हुई। देखिए हम लोग को ले जाने में पेड़ को काटना पड़ रहा है, रास्ता में हम लोग पेड़ काटते काटते मूर्ति को घर लेके जा रहे हैं। पर यहाँ के लोगों ने भी हमारी बहुत सहायता की, जिससे जो परंपरा किया और हम लोग फाइनली सब कुछ करके निकल गए। ये देख सकते हैं आप लोग कैसे बाहर निकल गए हमारी मूर्ति को देखने, इतना विशाल मूर्ति ही है। तो फाइनली हम लोग मूर्ति को ले जाने में सफल हुए। तो अभी मम्मी मामी लोग मिलके हम लक्ष्मी पूजा कर रही है, चलो चलते हैं देखते हैं। महाबलकारी अत्याचार किया सत्यभारी सूरन अभिनय किन्हार तक्षण से प्रकटि। यहाँ पूजा हो रहा है, जय लक्ष्मी माँ हमेशा हमारे ऊपर पैसे की बरसात करते रहे। फिर मैंने भी लक्ष्मी माँ से प्रार्थना की, खूब सारा पैसा मांगा। फिर इसके बाद हम लोग पटाखे फोड़ने चल गए। ये रहा मेरा दीपावली का सबसे फेवरेट पार्ट। तो इसके बाद हम लोग निकल गए जोजो बेरा की ओर। दीपावली के टाइम तो सभी घरों की यार रौनक ही कुछ और होती है, मज़ा आ गया देख के। फिर हम लोग पहुंचते हैं जोजो बेरा, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है उद्घाटन का, काली पूजा पंडाल का उद्घाटन हो रहा है जो कि अभय सिंह के द्वारा हो रहा है, ये बीजेपी के नेता है। आइए आप लोगों को हमारे पंडाल का दर्शन भी करा देते हैं। तो ये हमारा जोजो बेरा का पंडाल, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, और इसके चारों बगल जो आप वो पेंटिंग्स देख रहे हैं ना, ये बंगाल के आर्टिस्ट ने बनाई है, इन्होंने 4 दिन रुककर यहाँ बनाया है, सारा हैंडमेड है। इसका मैंने एक व्लॉग डाला था, आप लोग देखे होंगे, एक शॉर्ट्स डाला था मैंने इस पर। और ये हमारा 15 फीट का मूर्ति जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, जय काली माँ। और ये अभी काली माँ का पूजा हो रहा है रात के 12 बजे, ये छोटी काली माँ का मूर्ति है, इसी पे पूजा होता है, पंडित जी पूजा करा रहे हैं। नेक्स्ट डे यहाँ पर जागरण का आयोजन हुआ था, आइए आप लोग दिखाते हैं। इसके साथ बहुत सुंदर झांकी भी हुई थी, इसका भी मजा लीजिए आप लोग देखिए। Thank you।
पर हजारों की तादाद में भीड़ जमा हो चुकी है। देखिए आप लोग, पूरा एकदम मेला लगा हुआ है, थोड़ा भी जगह नहीं है इधर उधर जाने का। आइए आप लोगों को एक दादी का भी दर्शन कराते हैं। इतना एनर्जेटिक दादी है ना, देखिए वीडियो में गौर से देखिए, वहाँ पे एक दादी है ऐसे डांस कर रही है ना। यहाँ पे हम लोग के 30 साल के लड़का लड़की लोग ऐसे डांस नहीं कर सकते। देखिए मैं जूम करता हूँ वीडियो को, देखिए क्या एनर्जी है दादी में, मान गए दादी आपको। ये अपने टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रही होंगी। तो चलिए आप लोगों को एक और जगह का दर्शन कराते हैं। ये जगह का नाम है 22 फीट टेलको में, और यहाँ पर 22 फीट की काली माँ हर साल बैठती हैं। यहाँ का कार्यक्रम भी काफ़ी भव्य रूप से हर साल होता है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब काली माँ के जाने का समय आ चुका है। जितनी धूमधाम से हमने काली पूजा किया, उसके दुगने धूमधाम से हम लोग विसर्जन कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग एक्शन जैक्सन का तासा मंगवाए हैं, जो कि रामगढ़ से है। और साथ में डीजे भी है। ये देखिए कितना भीड़ जमा हो चुकी है विसर्जन के टाइम। लग रहा है जजो बया के सभी लोग अपने घर से बाहर निकलकर विसर्जन देखने आए हैं। और ये हमारे डीजे भैया, अरे अरे ठीक है, इनका अलग ही रोल है। और अब काली माँ के जाने का समय। इतना बड़ा मूर्ति था, हम लोग को ट्रेन मंगवाना पड़ा मूर्ति विसर्जन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स पे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शुभम_मिस्टरफिट्स है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा।